हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नया स्ट्रेटेजी के ऊपर, फिनिप्टी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे और किसको कोडिंग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे और चार्ट में थोड़ा समझ लेंगे कि कैसा स्ट्रेटेजी काम करता है और क्या इंडिकेटर्स हमने यूज किया है या क्या स्ट्रेटेजी यूज किया है हमने, तो वो देख लेंगे। बाद में हम कोडिंग देख लेंगे कैसे कोडिंग करते हैं या कोडिंग है। ओके, तो अभी चलते हैं चैट के ऊपर, चैट में देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, पहले समझ लेते हैं। ये हमारा फिनिप्टी का चार्ट है। फिनिप्टी का चार्ट के ऊपर हमने 0 लैग EMA हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है 16 का और 3 मिनट का चार्ट है ये, आप देख सकते हैं 3 मिनट का चार्ट सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें सिंपल है, 0 लैग EMA को जैसे ये क्रॉस करेगा और उसका हाई को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे। साथ में इसमें और एक कंडीशन क्या है कि ये जो 0 लैग EMA है ये बाई के लिए कंडीशन हो गया। ये -1 कैंडल है, ये -2 कैंडल है और ये करंट कैंडल है। ओके, तो ये जब भी -2 कैंडल ZLAMA का नीचे क्लोज होएगा और -1 कैंडल ये ZLAMA का ऊपर क्लोज होने का और करेंट कैंडल -1 कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा तभी हमने एंट्री लेंगे। ओके, ये बाय का कंडीशन है। साथ में इसमें और एक कंडीशन ऐड किया हमने कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाता है, बाद में फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, थोड़ा टाइम के बाद फिर वापस ऊपर जाता है। तो इनकेस बड़ा कैंडल कुछ आया तो हमने उसमें तभी एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री नहीं लेने के लिए क्या है, ये जो ZLAMA से ये जो क्लोजिंग पोजीशन है या हाई पोजीशन रहेगा तो उसमें ZLAMA से हाई का जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, ये उसको हमने लिमिट में रखा है। कितना रखा है वो हम कोडिंग में देखेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी देख सकते हैं हम। और इसमें हम और एक भी कंडीशन मॉडिफाई किया हुआ है कि हम 3 लॉट बाय करेंगे। 3 लॉट बाय करने के बाद हमने उसको परसेंटेज वाइज एग्जिट करेंगे। मान लीजिए 7% में या 8% में 1 लॉट एग्जिट करेंगे, बाद में 9% या 10% में और 1 लॉट एग्जिट करेंगे और एक जो लॉट लास्ट बचा हुआ है 11 या 15% में हम एग्जिट करेंगे। तो ऐसा करके हम 3 लॉट को सेल स्प्लिट करके एग्जिट करने वाले हैं। ओके, और सेल का कंडीशन सिंपल है, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। -2 कैंडल ऊपर क्लोज आना चाहिए और -1 कैंडल ZLAMA से नीचे क्लोज आना चाहिए और उसका लो को ब्रेक करना चाहिए। और सेम -1 का जो कैंडल है उसका जो लो है ZLAMA से एक लिमिट रखा गया है, वो लिमिट सेट किया है हमने। वो लिमिट को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं या चाहिए तो आपको वो चीज यूज नहीं करना चाहते ना वो डिलीट कर सकते हैं या कोडिंग नहीं करना है। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप हमारा चैनल में नया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट स्ट्रैटेजी कुछ चाहिए तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, फिलहाल चलते हैं कोडिंग के लिए। कोडिंग आप देख सकते हैं, फिनिप्टी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लिखा है हमने उसका नाम। सेट दो ही सेट रखा है हमने, ज्यादा नहीं रखा हमने, सेट दो रखा है। एक सेट में क्या है, पहला सेट आप देख लीजिए, टाइम ग्रेटर देन 9:25 एंड टाइम लेस देन 14:59, वीकडे नॉट इक्वल टू 5, मीन्स फ्राइडे हमारा ट्रेडिंग नहीं होएगा। नेट क्वांटिटी 111, फिर निफ्टी का सेट वन लेग वन और कंडीशन वन 0 होना चाहिए, नेट सेट टू का 0 होना चाहिए। पोजीशन डिटेल्स लेस देन, पोजीशन डिटेल्स का जो काउंट है
मतलब 3 बार ही एंट्री लेगा, उससे ज्यादा एंट्री नहीं लेने का मुझे एक दिन में, तो 3 बार एंट्री लेने का इसलिए हमने ये कोडिंग डाला हुआ है। ये कंडीशन क्या है, पोजीशन क्लोज, ये जो माइनस टू कैंडल हमने बात किया, माइनस टू कैंडल 0 लैग ईएमएस है, 16 ही 0 लैग ईएमएस से नीचे क्लोज होना चाहिए। -1 कैंडल 0 लैग ईएम, 16 0 लैग ईएमएस से ऊपर क्लोज होना चाहिए। और एलटीपी क्या होना चाहिए, उसका हाई को ब्रेक करना चाहिए, -1 कैंडल का हाई को ब्रेक करना चाहिए। और हमने जो लिमिट बोला था कि 0 लैग ईएमए और हाई का बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमने 14 को लिमिट रखा है, 14 से नीचे है देन, या 14 या 14 से नीचे है तो एंट्री लेगा, और अदरवाइज 14 या 14 से ज़्यादा है तो वो एंट्री नहीं लेगा। ओके तो पोजीशन हाई माइनस 0 लैग ईएमए और लेस देन इक्वल टू 14, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 लैग ईएमए, चार्ट में बता देते हैं, इसका हाई और 0 लैग ईएमए का जो डिस्टेंस है 14 से कम होना चाहिए, नहीं तो 14 होना चाहिए। हम इसमें देखेंगे तो ये कंडीशन में क्या है, इसका हाई 1270 है और इसका 1256 है, ऑलमोस्ट 14 है ऐसा। तो ये कंडीशन हमने 14 रखा है। ओके सेट वन का कंडीशन हो गया। तो आप इसमें पोजीशन बिल्डर में देखेंगे तो सिंपल है, एनएफओ कॉल निफ्टी, फिर निफ्टी नॉर्मल एफएक्स यूज किया है। एफएक्स में हमने क्या किया है कि फाइन स्ट्राइक का कीवर्ड लगाया है और 80 रुपीज से आसपास कोई भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा तो वो बाई हो जाएगा। करेंट वीक के लॉट्स 3 लॉट बाई करेगा, हम लोग जैसे बात किया था 3 लॉट बाई करना है। बाद में हमने रिपेयर वंस का कंडीशन रखा है, पहला रिपेयर वंस कंडीशन आप देख सकते हैं। रिपेयर वंस का जो कंडीशन है, एलटीपी का कीवर्ड लगाया गया है और उसमें सेट वन लेग वन और कंडीशन वन लगाया गया है, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट 1.07% परसेंटेज लगाने के लिए इनटू मल्टीप्लाई 1.07 करना पड़ेगा, तो ये कि 7% में ये 1-0 जाएगा फास्ट ट्रेड। ओके ये सिंपल है, आप इसमें भी देख सकते हैं कोडिंग कैसा है। एफएक्स देखेंगे तो ये कोड यूज किया, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट का क्लोज कोड यूज किया गया है हमने। ओके तो बाद में सेट रिपेयर वंस का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है, 0.9% में हम लोग एग्जिट हो जाएंगे एक पार्ट में और ये एक ही लॉट एग्जिट होएगा, एक लॉट देख सकते हैं, एक लॉट एग्जिट हो रहा है ऐसे। पहला एक लॉट एग्जिट हो गया 7% में, दूसरा लॉट एग्जिट हो गया 9% में, तीसरा लॉट डायरेक्ट एग्जिट होएगा। मान लीजिए 7 पॉइंट लॉस भी जा रहा है देन तो भी एग्जिट हो जाएगा, हमने ये कंडीशन रखा है। इनकेस 13 पॉइंट प्लस भी हो रहा है तो भी एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो 0.93% मीन्स जितना भी वैल्यू होएगा 7% का माइनस जा रहा है तो भी एग्जिट हो जाएगा, मीन्स स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये टारगेट के लिए हमने 11% रखा है, एक्चुअली 11% नहीं तो 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स रखा हमने नहीं तो 11% है, और ये स्टॉप लॉस के लिए इधर क्या है 7% नहीं तो 7 पॉइंट। ओके और एक कंडीशन क्या है, और एक कंडीशन जो है इधर आप देख सकते हैं, 0 लैग ईएमए 16 इन केस रिवर्स में ट्रेड जा रहा है, तो ट्रेड रिवर्स में जा रहा है तो 0 लैग ईएमए से नीचे क्लोज होएगा तो -1 कैंडल, और उसका एलटीपी लो को ब्रेक करेगा तो करंट कैंडल उसका लो को ब्रेक करेगा -1 कैंडल का, देन ये एग्जिट हो जाएगा। सेम थिंग सेट टू हम देखेंगे, सेट टू में क्या है कंडीशन, सेट टू का कंडीशन आप देख सकते हैं। सेट टू का कंडीशन देखने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नोट फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। प्राइवेट स्ट्रैटेजी चाहिए तो गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। तो सेट टू का कंडीशन देख लेते हैं। सेट टू का जो कंडीशन है, 9:25 हो गया, टाइम लेस देन 2:59 है, वीक डे नॉट इक्वल टू 5 मीन्स फ्राइडे नहीं चालू होएगा,
आप दूसरा ट्रे चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं, कि ये नहीं चाहिए तो आप ये डायरेक्ट बंद कर दीजिए, कुछ इशू नहीं है। पोजिशन डिटेल्स लेस देन इक्वल टू थ्री, तीन तीन एंट्री लेगा, नहीं तो मैक्सिमम तीन या उससे कम। ओके, नेट क्वांटिटी इक्वल टू जीरो, नेट क्वांटिटी लेग टू का जीरो होना चाहिए। पोजीशन क्लोज ये माइनस टू कैंडल में क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए। माइनस टू कैंडल में ग्रेटर देन जीरो लगी में 16 से बड़ा होना चाहिए, और माइनस वन कैंडल में उसका नीचे क्लोज होना चाहिए। ओके, एलटीपी उसका लो को ब्रेक होना चाहिए, माइनस वन कैंडल का लो को ब्रेक होना चाहिए। जीरो लग गया में माइनस लो, जीरो लग गया में और लो, जो माइनस वन कैंडल का लो है वो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 14 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 14 होना चाहिए, तो ही हमारा एंट्री होएगा। इसमें हम पी बाय करेंगे और पी तीन लॉट बाय करेंगे, और इसका इफेक्ट्स देखेंगे तो सेम फाइन स्ट्राइक का हमने कीवर्ड यूज किया है, और 80 के आसपास जो भी ट्रेड रहेगा वो बाय हो जाएगा। और रिपेयर वंस का कंडीशन देखेंगे तो आप एलटीपी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रेड इंस्ट्रूमेंट 7% है, ये 7% का जैसे हो जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा, एक एक लॉट इधर एग्जिट हो जाएगा। ओके, इसमें भी हमने आप स्ट्राइक देखेंगे तो एफएक्स का जो फॉर्मूला यूज किया गया है, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला यूज किया गया है, और ये लॉट एक लॉट ही एग्जिट होएगा। ओके, तो सेट टू सॉरी रिपेयर वंस का कंडीशन देखेंगे, इसमें भी 9% में एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद 9% में एक लॉट एग्जिट होएगा, आप देख सकते हैं इधर एक लॉट है। ओके, और सेट टू टोटली एग्जिट होने के लिए क्या है कि इधर 7% लॉस होना, 7 पॉइंट लॉस होना चाहिए स्टॉप लॉस के लिए, नहीं तो 13 पॉइंट टारगेट होना चाहिए, नहीं तो और एक के स्टॉप लॉस के लिए 7% है, 7% लॉस हो जाएगा तो भी एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो 11% हो जाएगा तो फुल जितना भी बचा हुआ है, मान लीजिए एक लॉट भी रहने तो या दो लॉट रहने तो मोस्टली एक ही लॉट रहेगा, क्योंकि उसका पहले ही एग्जिट हो जाएगा, 7% और 9% उसका पहले ही एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होएगा ऐसा। और एक कंडीशन क्या है इधर साथ में, जीरो लग गया में से ऊपर क्लोज हो रहा है तो, और उसका हाई ब्रेक हो रहा है माइनस वन कैंडल का, देन तो भी एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा ये नॉर्मल कंडीशंस हो गया। इनकेस आपको वीडियो कुछ डाउट्स लग रहे हैं तो 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो आप कोडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। टाइम ग्रेटर देन 313 रखा है हमने, तो पीएनएल का ग्रेटर देन इक्वल टू 3300 रखा है हमने, 3300 रखा है इंटू मल्टीप्लायर, ये स्टॉप लॉस के लिए ओवरऑल स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी का 2600 रखा गया है। ओके, और एडवांस सेटिंग देखेंगे तो एडवांस सेटिंग में आप ये तो नॉर्मल है, ये 5 आवर्स रखा है हमने, 5 आवर्स रिएक्टिवेट ऑन एग्जिट आफ्टर 5 आवर्स रखा है, साथ में कंडीशन से कंटिन्यूअसली रखा गया है। कैपिटल रिक्वायर्ड हम एक्चुअली इसमें ओवरऑल 10,000 तक शायद आपका कैपिटल लगेगा, बट हमने 50,000 सेफ्टी के लिए रखा गया है। टेक ट्रेड्स 1 सेकेंड के बाद ही ट्रेड ले लेगा, लेना स्टार्ट हो जाएगा, बट हमारा कंडीशन 925 से है, तो 925 के बाद कभी भी ट्रेड हमारा ट्रिगर होएगा तो ट्रेड ले लेगा। ओके, और कंडीशंस लास्ट कंडीशंस से 1 मिनट बिफोर रखा गया है, मार्केट क्लोज होने से 1 मिनट पहले तक लास्ट कंडीशन चेक करेगा। ओके, बाद में इतना ही है, तो आप ये कोडिंग देख सकते हैं, और इनकेस वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।